हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यासागर। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते क्या हैं? आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि आज भारत रत्न मिला है, परमवीर चक्र मिला है, अशोक चक्र मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इस टाइप के न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा कि ये अवार्ड मिल रहा है, वो अवार्ड मिल रहा है। यही सब अवार्ड हमारे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। इनको कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स, यानी कि जो भी फिल्म से रिलेटेड है वो फिल्म अवार्ड्स हो जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वाले स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो जाएंगे। वैसे ही लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं जो लिटरेचर से रिलेटेड हों, एंड और भी काफ़ी तरह के इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं सिविलियन अवार्ड्स की। सिविलियन अवार्ड्स होते क्या हैं? सिविलियन अवार्ड्स हाइएस्ट अवार्ड्स हैं इन इंडिया, एंड ये एनुअली दिए जाते हैं रिपब्लिक डे पर। सिविलियन अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में। सिविलियन अवार्ड्स चार तरीके के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। 1954 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे भारत रत्न है। भारत रत्न को ज्वेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया में? आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ये किसके लिए दिया जाता है? एक्सेप्शनल सर्विसेज टू द नेशन। अपने नेशन के लिए एक्सेप्शनल सर्विसेज करते हैं वेरियस फील्ड में, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विसेज। इन सब फील्ड में कोई एक्सेप्शनल सर्विसेज करता है तो उसको भारत रत्न मिलता है। और ये अवार्ड पोस्टमसली भी दिया जाता है। इस वर्ड का मतलब क्या है? पोस्टमसली यानी कि किसी पर्सन की डेथ हो गई हो एंड डेथ के बाद उसको अवार्ड मिल रहा है, तो वो अवार्ड पोस्टमसली हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1954 में हुआ था। भारत रत्न का हर किसी के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो भी एक्सेप्शनल सर्विस करता है नेशन के लिए उसको भारत रत्न मिल सकता है। एक साल में 3 प्राइज मिलते हैं मैक्सिमम नंबर, कम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर है 3। बट एक एक्सेप्शन है इसका, 1999 में 3 के बजाय 4 पीपल्स को ये भारत रत्न मिला था। एंड वो 4 पीपल्स कौन हैं? जेपी नारायण, अमृत्य सेन, लोकप्रिय गोपीनाथ पंडित रविशंकर। 4 लोगों को भारत रत्न मिला था 1999 में। के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, ध्यान रखने के नाम। जो फर्स्ट भारत रत्न मिला था, सी राजगोपालाचारी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन, इन 3 लोगों को फर्स्ट भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1954 में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भारत रत्न का भी 1954 में हुआ है, तो फर्स्ट टाइम इन 3 लोगों को मिला था। एंड सचिन तेंदुलकर, आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में भी सुना होगा, एक बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड यंगेस्ट भारत रत्न जिनको मिला था, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट आते हैं पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं? ये भी सिविलियन ऑनर्स हैं। फर्स्ट स्लाइड में देखा था हमने कौन कौन से होते हैं सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये हमारे पद्म अवार्ड्स होते हैं। पद्म अवार्ड्स सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से ही एक हैं। ये किस लिए होते हैं? एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड्स, ये भी होता है एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए। आपने वेरियस फील्ड्स में से कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट करा हो, जैसे आर्ट्स फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इन सब फील्ड में आपने एक्सेप्शनल अचीवमेंट करा हो तो पद्म अवार्ड्स मिलता है। पद्म अवार्ड्स को भी 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। इनका डिफरेंस की बात करें तो पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री सभी सिविलियन अवार्ड्स हैं, सभी सिविलियन अवार्ड्स हैं। एंड पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एंड फोर्थ नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा था? भारत रत्न। तो पद्म विभूषण के लिए 7 लाख रुपीज़ क्या है? कैश प्राइज़ है। एंड
पद्म भूषण के लिए 5 लाख है, पद्मश्री के लिए 1 लाख रुपीज़ है। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स होते क्या हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स उन लोगों को मिलते हैं जो ब्रेवरी का काम करे, सेल्फ सेक्रीफाइस करे, वेलर। ये बेसिकली मिलिट्री में ज़्यादातर होता है, मिलिट्री में मिलते हैं। और इनके भी 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। हर साल 2 बार मिलता है, ये साल में 2 बार मिलते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। कब कब? रिपब्लिक डे पर मिलता है एंड इंडिपेंडेंस डे पर मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड बनाया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गैलेंट्री अवार्ड्स एक तो वॉर टाइम हो गए, एक पीस टाइम हो गए। वॉर टाइम्स में कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। ये 3 तरह के अवार्ड हैं जो कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। ये सब मिलिट्रीज पर्सनलिस्ट में मिलते हैं। 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये सिविलियंस को भी मिल सकते हैं एंड मिलिट्री पर्सनल्स को भी मिल सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट तो वैसे 1952 में हुए थे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, बट इनको 1967 में रीनेम किया गया था, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। अगर इनकी रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है परमवीर चक्र, सेकंड पे अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट वॉर टाइम ओनर है एंड अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम ओनर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम ओनर कौन सा है, तो आप बोलेंगे परमवीर चक्र। एंड इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम ओनर कौन सा है, तो अशोक चक्र। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स में कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के थ्रू दिया जाता है। इसे प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं अवार्ड को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। इसका अब नेम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ओनर है। हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स एंड गेम में दिया जाता है। 1991 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। पहली बार किसको मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? उस टाइम पर तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम होता था, तो किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद, चेस के बड़े फेमस प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिल्म अवार्ड्स। फिल्म अवार्ड्स कौन से होते हैं जो कि इंडियन सिनेमा में मिलते हो, सिनेमा से रिलेटेड हो? तो ये हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1969 में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको सारे अवार्ड्स के याद रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा में कौन सा हो? दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये किसको मिलता है? जिसने कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करा हो एंड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के लिए कोई भी अच्छा काम करा हो, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करा हो, तो उसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है। ये भी एनुअली मिलता है, हर साल मिलता है नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के जो थे, दादा साहब फाल्के ए फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं इन्हें, आल्सो नोन एज। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो आपको टिक करना है दादा साहब फाल्के। एंड इंडिया की फर्स्ट साइलेंट फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी। यहाँ से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला? देविका रानी, 1970 में मिला था। 1969 में तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो 1970 में किसको मिला? देविका रानी जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला फर्स्ट टाइम। इनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है।
नेक्स्ट आता है लिटरेचर अवार्ड्स। लिटरेचर अवार्ड्स कौन से होंगे, जो कि पोइट्स या कोई भी राइटिंग का वर्क लिटरेचर से रिलेटेड वर्क पर अवार्ड मिलेगा। लिटरेरी अवार्ड्स कौन से होते हैं, जो ऑथर पोइट्स को मिलते हैं फॉर गुड वर्क, गुड पीस ऑफ राइटिंग, अपने राइटिंग में कुछ अच्छा काम करा हो, ऑथर्स पोइट्स इन सबको लिटरेरी अवार्ड्स मिलता है। तो ये किसको मिलता है, इंडियन ऑथर्स को जो इंडियन लैंग्वेज में लिखते हैं, इंडियन लैंग्वेज या प्लस इंग्लिश में लिखते हैं। इंडियन लैंग्वेज कहाँ डिफाइन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंडियन लैंग्वेजेस डिफाइन है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, बट ये लिटरेरी अवार्ड्स जो होता है ये इंग्लिश में भी माना जाता है। तो कौन कौन से होते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये दो बड़े फेमस अवार्ड्स हैं लिटरेचर में। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड का 11 लाख रुपीज़ कैश प्राइज होता है, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड का 1 लाख रुपये होता है। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1961 में, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में। ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट किसको मिला था, G.S. कोरोप, मलयालम के वर्क के लिए मिला था। एंड फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था, R.K. नारायण, ये काफ़ी अच्छे ऑथर हैं। हमेशा याद रखना, जो भी फर्स्ट हो, फर्स्ट हाईएस्ट, इन सब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ आप सभी ने सुने होंगे, नोबेल प्राइज़ क्या होता है, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इन फील्ड्स में कोई बहुत ही अच्छा वर्क करता है, एक पायनरी अचीवमेंट होती है, तो उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एक इंटरनेशनल अवार्ड है। पहले इकोनॉमिक्स जो है इसमें लास्ट में जुड़ा था 1967 में, इकोनॉमिक्स आया है 1967 में, उसके बाद ये नोबेल प्राइज़ 1901 से दिए जाते हैं, एंड इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ है, वो 1967 में ऐड हुआ है। एंड नोबेल प्राइज़ की इंटरनेशनली काफ़ी वैल्यू होती है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी वैल्यूएबल अवार्ड है ये। एंड ये एल्फर्ड बर्नार्ड नोबल, इनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने क्या करा था, इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट करा था, डायनामाइट के इन्वेंटर हैं। कई बार जैसे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डायनामाइट के इन्वेंटर कौन थे, तो आप बता देंगे एल्फर्ड बर्नार्ड नोबल, इनके ही नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एंड नोबेल प्राइज़ हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को एल्फर्ड बर्नार्ड नोबल की क्या है, डेथ एनिवर्सरी है, तो 10 दिसंबर को नोबेल प्राइजेस मिलते हैं एनुअली। नोबेल प्राइज़ कौन कौन से इंस्टीट्यूट देते हैं नोबेल प्राइज़, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंका इंस्टीट्यूट, स्वीडिश अकेडमी, नॉर्वेंग नोबेल कमेटी। तो स्वीडिश अकेडमी किस किस को देती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में देती है। एंड कैरोलिंक्स का इंस्टीट्यूट किस में देता है, साइकोलॉजी मेडिसिन में। स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर में अवार्ड देती है। एंड नॉर्वेंग नोबेल कमेटी किस में देती है, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज में। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन 1913, गीतांजलि के लिए मिला था, लिटरेचर वर्क पे मिला था। मलाला यूसुफ कौन है, मलाला यूसुफ यंगेस्ट नोबेल, जिनको पीस प्राइज़ मिला है 2014 में, 17 ईयर्स की एज में। एंड अभी तक 65 वुमेंस को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, आज तक 1901 से लेकर 2023 तक। एंड मैरी क्यूरी ओनली वुमेन, एक इकलौती वुमेन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, एक 1903 में फिजिक्स के लिए एंड 1911 में केमिस्ट्री के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं दोनों। पुलिट्जर प्राइज़ जर्नलिज्म का अवार्ड है, ये 1917 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, एंड जो जोसेफ पुलिट्जर थे इनके नाम पर ही ये प्राइज़ है। इन्होंने अपनी विल में डिक्लेयर करा था कोलम्बिया यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी बना के, कि इनकी विल में ऐसा लिखा था कि जर्नलिज्म स्कूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइज कीजिए, तब से इनके नाम पर पुलिट्जर प्राइज है। कोलम्बिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्टर करती है उसको, एंड इनके विल में $2.5 लाख
विल थी और प्राइज एंड स्कॉलरशिप। इनकी डेथ 29 अक्टूबर 1911 में और फर्स्ट प्राइज मिला था 1917 में, 4 जून 1917 में फर्स्ट पुलित्जर प्राइज मिला है एंड ये 21 कैटेगरीज में मिलता है। नेक्स्ट अवार्ड आता है ओस्कर अवार्ड्स। ओस्कर अवार्ड्स क्या होते हैं? ओस्कर अवार्ड्स को एकेडमिक अवार्ड्स भी किया जाता है एंड ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड सिग्निफिकेंट अवार्ड है। किस में? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड सिग्निफिकेंट अवार्ड है ओस्कर अवार्ड। एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं इसे। ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के थ्रू दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि कौन देता है, एनुअली देता है, कौन देता है ओस्कर अवार्ड्स को? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, AMPAS। और इसके अंदर क्या होता है, गोल्डन स्टैचू एज अ ट्रॉफी दी जाती है और इसे ऑफिशियली क्या कहते हैं, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट। एंड ये फर्स्ट रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ था 1930 में एंड टेलीविज़न पे 1953 में। नेक्स्ट आता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है एंड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के नाम पर है। रमन मैग्सेसे उनका नाम था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। 1957 में ये इंस्टीट्यूट किया गया है एंड ये एनुअली दिया जाता है 31 अगस्त को। एंड अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। 6 फील्ड में ये प्राइज़ मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज एक एनुअली अवार्ड दिया जाता है, ये भी किसके लिए? फुल लेंथ नॉवल्स के लिए। फुल लेंथ नॉवल्स इन इंग्लिश होनी चाहिए एंड पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम में। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1969 में हुआ था। अब इसका नाम बुकर प्राइज फॉर फिक्शंस है। पहले इसको बुकर मैकोनल प्राइज भी कहा जाता था 1969 से 2001 तक एंड मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता था 2019। अब इसके डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे नाम क्यों हैं। बेसिकली क्या है कि इसमें जैसे ही स्पॉन्सर्स चेंज होते हैं तो थोड़ा बहुत नाम में भी चेंज हो जाता है। फर्स्ट अवार्ड 1969 में दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट भी 1969 में हुआ था एंड इसका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीडिंग करें एंड कंटेम्प्रेरी फिक्शंस पर डिस्कशन हो, ये इसका एम है। 1917 में पेरेंस रूबेंस फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने बुकर प्राइज मिला था इनके नोवल इलेक्टेड मेंबर के लिए। ये था अवार्ड्स एंड ऑनर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।